हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। क्या कहें, कोई इज्जत नहीं है यार। ऑटो पे गए बैठने, चार लोग बैठता है ना तरफ, तो उसमें तीन लोग बैठे हुए थे। ऑटो वाला बोला यहाँ पे बैठ जाइए। एक वो लड़की थी एन कॉलेज की, बैठने नहीं बोली कि उधर बैठ जाना, ठीक है। वो लेडीज थी, लेडीज वो लड़की थी थोड़ी सी भारी थी, वेट रहती उसका वेट ज़्यादा था, तो ठीक है ना भाई, आपका वेट ज़्यादा था, अपने पास रखिए ना। आदमी बैठेगा नहीं, आदमी बैठेगा नहीं। यहाँ पर अभी देख रहे हैं जैसा कि मैं पटना जंक्शन के पास हूँ, ओके, सामने से हम लोग निकलेंगे। और आज है जो मंगलवार है, तो बहुत ज़्यादा भीड़ है, पूरा पूरा पटना जंक्शन है ना, मुझे गाड़ी से एकदम बीच। दोस्तों अभी जैसा कि आप देख रहे होंगे महावीर मंदिर, उसके सामने जो गोलंबर है उसके मैं राइट की तरफ हूँ। इधर देखिए गांधी मैदान जाने वाली रोड है, और आपको ढेर सारी ऑटो मिल जाएंगे गांधी मैदान जाने के लिए, है ना। और लेकिन हमें तो गांधी मैदान जाना नहीं है, हमें जाना है मंगलदीप अपार्टमेंट, जी हाँ दोस्तों, IDZ5, ओके, पाटलिपुत्र कॉलोनी। और हम लोग को जाना है पाटलिपुत्र गोलंबर के पास, मतलब वहाँ पर उतरना है पाटलिपुत्र गोलंबर के पास। वहाँ से उतर कर फिर हम लोग अपने सेंटर की तरफ उतर के पैदल चलना होगा, ओके। तो इधर आप देख सकते हैं, इधर ही हम लोग को ऑटो मिलता है, बस मिलता है पाटलिपुत्र जाने के लिए, कुर्जी जाने के लिए, बोरिंग रोड जाने के लिए। ये सब जो बस है ना, जो निकली अभी और जो ये पीछे लगी, सब उसी तरफ जाती है, ठीक है। लेकिन मैं और हमें हमको ऑटो से जाना है, तो इसलिए हम लोग क्या, इसके पीछे है, इसके पीछे ऑटो स्टैंड है, वहाँ से आपको है जो ऑटो मिलेगी, ठीक है। तो हम लोग पीछे चल रहे हैं, उसके बाद हम लोग ऑटो पकड़ेंगे, राइट। देखिए आपको यहाँ पर भी ऑटो मिल जाएगा, कुछ लोग यहाँ भी पूछते रहते हैं कहाँ जाना है कहाँ जाना है। तो आपको अगर नहीं समझ में आए तो उनको बोल दीजिएगा या पूछ लीजिएगा कि हाँ भैया हमको यहाँ जाना है, तो कैसे जाए, ठीक है। बेसिकली क्या है कि पाटलिपुत्र के लिए मुझे पता है कि ऑटो उधर मिलती है, ये सब ऑटो नहीं जाती है। हो सकता है वो ऑटो यहाँ पर ला के आप लोग को चढ़ा ले, लेकिन वो ऑटो उधर ही मिलती है जिधर हम लोग अभी जा रहे हैं। आगे थोड़ा सा है ना, इसी स्टैंड में थोड़ा सा आगे है, वहाँ पर आपको पाटलिपुत्र के लिए ऑटो मिल जाएगा, है ना। तो आपको IDZ23 हो चाहे IDZ5 हो, ठीक है, आपको सब यहीं से आपको मिलेगा, है ना। देखिए हम लोग आ चुके हैं, इन्होंने हमसे पूछा कि आपको कहाँ जाना है, हम बोले मंगलदीप अपार्टमेंट, बस तुरंत उधर। और दोस्तों ये हमारा है अपना बिहार का मॉडर्न न्यू और बिहार का गौरव बिहार म्यूज़ियम। यहाँ आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। मैं पहले गया था, अब फिर जाने वाला हूँ इस बार, है ना। सो इफ यू नेवर बीन हेयर, प्लीज़ प्लीज़ गो वंस, आई सजेस्ट यू, यस। ये लीजिए, हम लोग अपने पहले पड़ाव पे आ चुके हैं। आजाद, जी हाँ दोस्तों, ये है हमारा पाटलिपुत्र गोलंबर, समझ रहे हैं। सामने देख लीजिए, ये आपका सन हॉस्पिटल है, ओके, मेरे पीछे फिलहाल। सामने से हम लोग निकलना होगा, सामने देखिएगा, मैं दिखा रहा हूँ, अरे थोड़ा सब्र करिए ना, अच्छे से दिखाता हूँ आपको। पहले हमको पार करने दीजिए ना, पार हो करके सामने देखते हैं ना, UN है, यूनाइटेड नेशन का ऑफिस है पटना का। आप देखिए इस सामने, मे आई हेल्प यू है, मे आई हेल्प यू से देखिएगा, तो सामने देखिए आपको देखिएगा सन हॉस्पिटल, सन मेडिकल, है ना। इसी को थोड़ा सा देख लीजिए, ध्यान में रख लीजिए। अब हम लोग फिर चलते हैं आराम से, धीरे धीरे समझते हुए। श्री श्री पंचमुखी हनुमान मंदिर है, इधर से हम लोग फिर चलते हैं सामने, देखिए है ना, UN अभी मैंने बताया था, वहाँ पर चलना है। गाइज मैं एक बात और आपको बता दूँ कि UN के बगल में लिफ्ट में एक रोड जाती है, उसमें तो कभी जाना ही नहीं है, वो बहुत दूर लेके चली जाएगी आपको, है ना। इधर, हाँ इधर, इधर एक रोड है ना, इसमें नहीं जाना है, सामने जो दिख रहा है, ओके। हम जैसे आपको लेके चल रहे हैं वैसे ही चलना है, तो चलिए पहले उस साइड हो लेते हैं। इस तरफ आ गए हम लोग, आपको अच्छे से यूनाइटेड नेशन का मैं दिखाता हूँ, लिखा हुआ है जो, आप देख लो अच्छे से, ये तो कभी भूलोगे नहीं, यूनाइटेड नेशन का ऑफिस है पाटलिपुत्र गोलंबर के पास, नो प्रॉब्लम। अब यहाँ से आप धीरे धीरे आगे बढ़ते रहो।
देख लीजिए, यही है हमारा पाटलिपुत्र गोलंबर ना, इधर से ही हम लोग आए हैं। आपको अभी IFB एक इंस्टीट्यूट मिलेगा, उससे जस्ट आगे एक सिन्हा डेंटल है, उसी से लेफ्ट लेना है, ओके। और देखिए सामने मैं आपको दिखा रहा हूँ, होली क्रॉस इंटरनेशनल स्कूल है, ओके, सेकेंडरी स्कूल है ये। और सामने देखिए आपको दिखा रहा हूँ मैं, सामने देखिए आपको सिन्हा डेंटल क्लिनिक मिलेगा, इसी से देखिए है ना रास्ता, ये इसी से हम लोग अंदर जा रहे हैं, देख रहे हैं बात को, समझ रहे हैं ना, ठीक है। आगे देखिए क्या है, इंडियन ओवरसीज बैंक है, बोरिंग रोड शाखा, ओके। तो ये जो रास्ता हम लोग जा रहे हैं ना, इसी रास्ते सीधे चलते जाना, एकदम सीधे जाना है, ओके ना, सीधे जा करके राइट लेना है। ये देखिए आपको यहाँ पर आगे बढ़ने के बाद एक चौराहा मिलेगा, ठीक है। यहाँ से मैं राइट लेता हूँ, बट आपको कहीं मुड़ना है, सीधे जाना है, सीधे जाना ज़्यादा आसान है, बिकॉज सीधे जाते ही आपको राइट लेना है। और यहाँ पर हम इधर मुड़ते हैं तो क्या होगा, इधर मुड़ेंगे तो फिर एक बार लेफ्ट लेना पड़ेगा, समझ रहे हैं, ये कुछ पता नहीं हॉस्पिटल है, पता नहीं क्या है, राइट। तो मैंने तभी इधर राइट लिया है, पर इससे भी पहुँच ही जाएंगे है ना, लेकिन उतना ज़्यादा मुड़ने मरने की क्या ज़रूरत है, सीधे होगा वहाँ से अगर जाते वो भी रोड जाती है ना। चूँकि मैं यहाँ पहली बार जा रहा था, इसलिए मैंने इधर भी मैंने मतलब कि राइट ही मुड़ गया, ओके ना। सो आप सीधा भी जा करके आगे बढ़ सकते थे, ओके, अब फिर जाके राइट लेते तो सीधा, लेकिन यहाँ भी दिख जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप यहाँ देख सकते हैं, सेमरॉक किडीज किड स्कूल है, सेट प्ले स्कूल है, यहाँ पे देख रहे हैं ना, इस मोड़ से हम लोग लेने वाले हैं लेफ्ट, ठीक है। यहाँ से हम लोग अंदर घुस जाएंगे और सामने ही आपका है मंगलदीप अपार्टमेंट IDZ5। जी हाँ दोस्तों, IDZ5 आपका स्वागत करती है, आयन डिजिटल जोन 5, पाटलिपुत्र कॉलोनी नियर पाटलिपुत्र गोलंबर इन मंगलदीप अपार्टमेंट, इससे आराम से जाइए सीधे दम। ये देखिए आपको सामने दिख रहा है ना, यही है हमारा मंगलदीप अपार्टमेंट और हमारा आयन डिजिटल जोन 5 IDZ5। यहाँ पर दोस्तों आपको सत्तू वगैरह का दुकान मिल ठेला है, मिल जाएगा तो आप पी सकते हो है ना। और सामने हमारा सेंटर है, आप अच्छे से देख लो, यहाँ पर कुछ लोग इंतज़ार करें एग्जामिनेशन देके है ना, चारों तरफ देख लो आप। तो दोस्तों आप जैसा कि यहाँ देख सकते हो, यहाँ पर कुछ कुछ ऑटोज़ भी आती है आपको ले जाने के लिए, थोड़ा कुछ ज़्यादा भाड़ा लेंगे यहाँ से, बट वो पहुँचा देंगे आपको पटना जंक्शन, गांधी मैदान, जहाँ भी जाना है आपको वो पहुँचा देंगे, ओके। और क्या बताऊँ मैं यहाँ पे आपको, यहाँ पर देख ही रहे हैं, सत्तू का दुकान है, भुंजा का दुकान है, तो मिल जाएगा आपको, थोड़ा बहुत अपना भूख मिटा सकते हैं यहाँ पर आ करके। और सामने लगेज काउंटर है, ठीक है, वो अब मैं आपको छोटी वाली वीडियो में दिखाया था, वो लिखा तो आया स्नैक्स स्टेशनरी भी, जेरोक्स भी, मैंने उसको नज़दीक जाके देखा नहीं क्योंकि मुझे उसको ज़रूरत नहीं पड़ा कुछ जाने के लेने के लिए, ठीक है, इसलिए मैं वहाँ पे गया नहीं। ये देख लीजिए आयन डिजिटल जोन 5 है ना, आय ऑन डिजिटल जोन 5 पाटलिपुत्र है ना, तो यही आपका सेंटर, बहुत ही खूबसूरत सेंटर है। और क्या बोलते हैं, पानी वानी का सारा व्यवस्था यहाँ पर है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, सैनिटाइज़र वगैरह सब कुछ देते हैं। और ज़्यादा ये लोग माथा पर मतलब कि ज़्यादा मतलब प्रेशर फोर्स नहीं करते, मतलब ज़्यादा नहीं डांटते उठते हैं ये है ना, अच्छे से बोलते हैं और सब कुछ ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपका है IDZ5, यहाँ से आपको जहाँ जाना वहाँ जाइए, इधर तो आपको पता ही है सीधे जाइएगा तो आपको P&M मॉल मिलेगा। तो अगर आप उधर से आ रहे हैं कुर्जी मोड़ की तरफ से तो और भी ईजी है, P&M मॉल वाली के सामने एक गली है, ठीक है, उसी में अंदर घुसिए और चलते आइए, 500 मीटर है और कुछ ही है ना, शायद उससे भी कम होगा। हम लोग क्या कर रहे हैं अभी कि यहाँ से सीधे मैं जाऊँगा, ओके, और जा करके, ओके, एक हमको देखिए दिख रहा है आपको, लेफ्ट में एक रोड मिल रही है ना, इस रोड से मैं अंदर चला जाऊँगा है ना, और इस रोड से लेफ्ट मैं ले लूँगा, ओके। तो मैं आपको बता ही रहा हूँ सामने है ना, ये सामने आपका P&M मॉल आपको दिख जाएगा सामने। हम लोग को तो जाना है पाटलिपुत्र गोलंबर, चूँकि पटना स्टेशन जाना होगा, तो इसलिए हम लोग इधर से हम लोग कट ले रहे हैं, बढ़िया है ना, और फिर सीधे निकल जाएंगे, सीधे हम लोग मिल जाएगा है ना। तो समझ गए ना आप, आ जाओगे ना, अगर आ जाओगे, समझ गए हो, नहीं समझे हो तो उसको एक बार और देखो, कोई कन्फ्यूज़न है तो पूछो कमेंट में करके,
चलिए सीधे मैं आपको दिखाता हूँ कि जिस मोड़ से चरमोहानी था ना वहाँ पे, वहाँ से जो मैं लिया था राइट, वो देखिए यहाँ पर सीधे मिलेगा। और ये सीधे रूट चल जाएगी कहाँ पे, वहाँ पे आगे सबसे मेन रोड पे जाएगा तो रूबन मेमोरियल हॉस्पिटल मिलेगा, वहाँ पर दो चार गेस्ट हाउस भी हैं, वो सब आपको मिल जाएगा। देख रहे हैं ना, यही जो चार मुहानी है यहीं पे हम लोग थे ना, मैं इधर ले लिया था अभी लेफ्ट, लेकिन सीधे भी हम लोग देखिए है ना, सीधा रास्ता है ना, सीधे भी जा सकते हैं और आ सकते हैं। ओके, तो जैसा आपकी इच्छा, मैं आपको सारा कुछ रास्ता मैं बता दे रहा हूँ, आपको जैसा ठीक लगे, जैसा अच्छा लगे है ना। देखिए सीधे मैं गया था ना, सॉरी सीधे मैं नहीं गया था, मैं इधर राइट लिया था, लेकिन सीधे भी रास्ता है। अभी मैं आया सीधे से, इस रास्ते से मैं गया था। ओके, और इस रास्ते से भी आप जा सकते हैं सीधे, कोई दिक्कत नहीं यार, बस कोई प्रॉब्लम नहीं। आप मेरी वीडियो देखो, सब्सक्राइब करो, लाइक कर दो है ना, बहुत अच्छा से मैं समझाता हूँ। ओके, चिंता ना करो, कहीं भी जाना हो आपको सेंटर पर, बस बस मेरे को मैसेज कर दो, कमेंट कर दो, अरे पहुँचा दूँगा, चिंता काय करते हो। तो देखिए दोस्तों, हम लोग मेन रोड के पास आ चुके हैं, यहाँ से राइट लेंगे तो आप पाटलिपुत्र गोलंबर के पास पहुँचेंगे, वहाँ से जहाँ आपको जाना है वहाँ की ऑटो पकड़ लीजिए।